नमस्कार, मैं हूं नितिन अग्रवाल। स्वागत है आप सबका अग्रवाल किचन में। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रहा हूं एक बहुत ही आसान सी रेसिपी जो डॉग्स के लिए दी जाती है, पेट्स के लिए। और ये एक कम्प्लीटली प्योर वेज है। जो लोग नॉनवेज बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं या उनके घर में बनाने की प्रॉब्लम होती है, तो खासकर से उन लोगों के लिए ये हम बना रहे हैं। और बहुत ही आसान है ये बनाना। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए उबले हुए चावल, या आधा किलो उबले हुए चावल हैं, इनको पका लिया है हमने। और एक कप दही लिया है और थोड़ा सा पानी। इसको बनाना बहुत सिंपल है। चावल जब हमारे गरम गरम उबल के हम बाहर थोड़ा ठंडा करने के बाद निकालें, उसमें जस्ट हमें सिर्फ ये दही मिलाना है। दही को अच्छे से इसको मिक्स करना है इसमें। आप चाहें तो इसमें चावल में दूध भी मिला के दे सकते हैं, लेकिन दूध से ज़्यादा दही बेटर होता है। दूध अगर दें तो सिर्फ दूध दें उसको, उसके साथ में कुछ मिक्स ना करें। इसको अच्छे से अगर मत लेंगे तो जो चावल, जो साबुत चावल होगा, वो थोड़ा सा हल्का सा चूरा चूरा हो जाएगा, ताकि उसको डाइजेशन में भी अच्छा रहेगा। ये खासकर से पमेरियन या जो भी छोटे छोटे ब्रीड्स होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है ये। और सभी, वैसे सभी आप जर्मन शेपर्ड को, डॉबरमैन को, जितने लार्ज ब्रीड हैं उनको भी दे सकते हैं, क्योंकि नॉनवेज देते हैं उनको गर्मियों में, तो काफ़ी गर्म होता है, उनको खाना नहीं खाते हैं, सिर्फ पानी पीते हैं। उस टाइम पे अगर ये दही चावल उनको दिया जाए तो बहुत शौक से खाते हैं वो। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएंगे और फिर इसको अच्छे से मथेंगे। आप चाहें तो दही की छाछ बना के भी इसमें दे सकते हैं। बहुत सिंपल है ये, आप लोग आराम से अपने घर में अब इसको आप बना कर सकते हैं। कभी भी आप, जब भी आपको मन करे कि कुछ देना है, तो ये अगर दही चावल रखे हैं घर पे, तो उनको मिक्स करके आप आराम से दोपहर के टाइम पे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, सुबह और दोपहर में दे सकते हैं। रात में कोशिश करें इसको कि ना दें। सुबह और दोपहर के लिए ये सबसे बढ़िया खाना है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है और इसको आप डायरेक्ट इसको डॉग्स को अपने सर्व कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से और भी कोई भी नई रेसिपीज जो भी हमारे हमको लगेंगी आपको के लिए शेयर करनी है, हम जरूर आपसे शेयर करेंगे। अपने सुझाव आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।